बच्चों, आज मैं कक्षा 3 की पाठ 1 भाषा आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाऊँगी, उस आधार पर आज मैं आप लोगों को भाषा के बारे में बताऊँगी, जिसे हम लैंग्वेज भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को जानते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक पुत्र अपने पिता से बातें कर रहा है, उसके लिए वह भाषा का प्रयोग कर रहा है। वह क्या कर रहा है वो देखिए। पिताजी प्रणाम, आज मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ, ऐसा पुत्र अपने पिता से कह रहा है अपना रिजल्ट दिखाते हुए। यह सुनकर पिता बहुत खुश होते हैं और खुश होकर कहते हैं, बहुत खूब, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तो जब पुत्र के मन की बातें पिता जानता है, तब पिता अपने भाव प्रकट करता है। तो उपर्युक्त चित्र में बेटा अपने पिता को अपना रिजल्ट दिखाकर तथा बोलकर अपनी बात उन तक पहुंचा रहा है और पिता उनकी बात समझकर उत्तर दे रहे हैं। तो इस प्रकार विचारों का आदान प्रदान हो रहा है और इसे भाषा कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। भाषा की परिभाषा आप एक लाइन में अगर देना चाहें तो इस प्रकार कहेंगे, जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम सभी से बातचीत करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेले नहीं रह सकता, वह सभी व्यक्तियों के साथ रहता है और जब वह एक दूसरे के साथ रहता है तो कुछ न कुछ बातचीत करता है और अपने मन के भाव अपनी सोच प्रकट करता है। उसके लिए उसे भाषा की आवश्यकता होती है, तो भाषा इसे ही कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मुख्य रूप से तो भाषा दो ही प्रकार के होते हैं, परंतु एक और भाषा होती है जिसका व्याकरण में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं और जिसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। मौखिक भाषा का मतलब होता है मुंह से बोली जाने वाली भाषा, यानी जो बात हम लोग बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें सुनकर समझते हैं, यानी बोलना और सुनना, जिस भाषा में ये दो क्रियाएं होती है उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा में लिखकर हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर जानते और समझते हैं। तो ये दो प्रकार हैं भाषा को व्यक्त करने का। भाषा को व्यक्त करने के लिए हम इन दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है मौखिक, जिसमें हम लोग बोलकर और सुनकर एक दूसरे के मन के विचारों को जानते और समझते हैं, और दूसरा है लिखित, जिसमें हम लिखकर और पढ़कर एक दूसरे के विचारों को जानते और समझते हैं। उसके बाद है विभिन्न भाषाएं। ये आप लोग को जानना जरूरी है कि भारत में बहुत से राज्य हैं और बहुत से प्रांत हैं, तो हर राज्य की अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपनी अपनी बोलियां हैं। हर प्रांत में चले जाओ आप, हर ज़िले में चले जाओ, हर क्षेत्र में चले जाओ, तो हर क्षेत्र की अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है, हर प्रांत की अपनी प्रांतीय भाषा होती है, हर राज्य की अपनी राजकीय भाषा होती है, और हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी, जिसे हम राजभाषा भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं और उन राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम भी यहाँ दिए गए हैं। जैसे
तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है तमिल भाषा, असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, बिहार में हिंदी। उसी प्रकार से बंगाल में बंगाली बोली जाती है, तो महाराष्ट्र में मराठी। तो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सब में की अपनी अपनी भाषाएं हैं, और इन सब भाषाओं से ऊपर है राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज, हमारे देश की भाषा जो एक है। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा मानी जाती है क्योंकि यह हमारे पूरे उत्तर भारत में भी बोली जाती है और पूरे देश में भी यह बोली और समझी जाती है, इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। और इस भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। अब आप सोचते होंगे लिपि क्या है, तो लिपि मतलब स्क्रिप्ट यानी लिखने का तरीका। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग प्रकार के वर्णों यानी अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। भाषा को लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। हम लोग जो बातें बोलते हैं उसे जब लिखते हैं उसके लिए हमें अक्षरों की आवश्यकता होती है, वर्णों की आवश्यकता होती है, और हर भाषा की अपने अपने वर्ण होते हैं, अपने अपने लिखने का तरीका होता है। तो उन तरीकों को, उन ध्वनि चिन्हों को जिनको हम वर्ण भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। अक्षरों को जोड़ जोड़कर शब्द और फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है। तो इस प्रकार हम भाषा को लिखते हैं। नीचे की दी गई तालिका को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए व समझिए। तो ये देखिए, यहाँ पर भाषा है, यहाँ उनके लिपि हैं और यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे हिंदी, हिंदी की लिपि है देवनागरी, और जैसे यहाँ उसका उदाहरण दिया गया है, मैं भारतीय हूँ। उसी प्रकार अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि, और उसको जब हम मैं भारतीय हूँ को अंग्रेजी में लिखेंगे तो वो हो जाएगा आई एम इंडियन। उसी तरह से संस्कृत है, संस्कृत में देवनागरी लिपि होती है, तो हिंदी में भी देवनागरी और संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। तो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा थी जिससे हिंदी का जन्म हुआ, इसलिए हिंदी और संस्कृत दोनों की एक ही लिपि है जिसे देवनागरी कहते हैं। तो आगे जैसे पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। तो उसी तरह से कहने का मतलब है कि सभी भाषाओं के अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं और लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में वाक्य में आपने देखा कि मैं भारतीय हूँ वाक्य अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, लिखने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण हैं, यही वर्ण लिपि कहलाते हैं। तो लिपि के बारे में बच्चों आप लोग जान गए कि किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को उसके वर्णों के अलग ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के तरीकों से एक ही वाक्य को लिखा गया है क्योंकि वे अलग अलग भाषा हैं, उनकी लिपियाँ भी अलग हैं और उनके लिखने के तरीके भी अलग हैं। इनमें कुछ विशेष बातें इस प्रकार हैं, हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। बच्चों यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, यह सभी बातें आपको अवश्य जाननी है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान और स्थान मिला था। लिपि के कारण ही हमारे प्राचीन ग्रंथ आज भी सुरक्षित हैं। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में हैं और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में थी, तो इसी वजह से ये सारे ग्रंथ आज भी सुरक्षित हैं। हम लिपि की जानकारी होने के कारण इन ग्रंथों को पढ़ पाते हैं और उनका
हम संरक्षण भी कर पाते हैं। तो ये हुई भाषा की जानकारी। तो मुख्य तौर पर इस पाठ को पढ़कर आपको ये समझ लेना है कि हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, हर देश में बहुत से राज्य हैं, उनकी अपनी अलग अलग तरह की भाषाएं होती हैं। भाषा का काम होता है मनुष्य के मन के विचारों को, उसके सोच को, उसके भाव को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को उसके सामने के व्यक्ति तक पहुंचाना। तो ये भाषा का कार्य होता है। भाषा के जरिए ही हम बहुत सी जानकारियां भी हासिल करते हैं। देश, दुनिया, विदेशों में कौन सी घटनाएं घट रही है वो हम भाषा के जरिए ही जानते हैं। शिक्षा का कार्य भी भाषा के द्वारा ही होता है। तो हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है, क्योंकि जब शिक्षा नहीं थी और मनुष्य जब जंगलों में रहते थे तब भी भाषा का प्रयोग करते थे। शुरू में वे ध्वनि चिन्ह नहीं जानते थे, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय, वो सिर्फ मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। वो लोग अजीब अजीब आवाज़ें निकाल कर, जानवरों की आवाज़ों की नकल कर भाषा का उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ और उन्होंने भाषा को एक अच्छा और सरल रूप देना शुरू किया, और फिर उन भाषाओं, उन ध्वनियों को एक चिन्ह देने का प्रयास किया, फिर लिपि का निर्माण हुआ, फिर लिखने की प्रथा चली। तो इस तरह से भाषा धीरे धीरे प्रगति करती गई और अपना एक सही रूप निर्धारित की, और इस तरह से बाद में जाकर व्याकरण का निर्माण हुआ, जिसमें भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना और उसके नियम बनाए गए, ताकि सभी व्यक्ति भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीख सकें। तो इस प्रकार हमने आज भाषा के बारे में आपको जानकारी दी। आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़ें और समझें, और बहुत तरह की भाषाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है, उसके बारे में भी आप लोग जान सकते हैं। अतः आप इन विशेष बातों को ज़रूर स्मरण करें। धन्यवाद।